हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। आज हमें मालवनी मलाड वेस्ट न्यू कलेक्टर कंपाउंड में प्लॉट नंबर 61 में यहां पर एक घर गिरा है जिसमें किसी की जान तो नहीं गई है ना तो ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि यहां पर बाइक्स थी दो वो टूट चुकी हैं। यहां पर कोई अभी तक नहीं आया है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आए थे, बीएमसी के कुछ लोग आए हैं, यहां सर्वे कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड के लोग आए हैं, ये जो मलबा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं, इसका वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन ये घर दो माले का था जो कि गिर गया। आपने इसके पहले हमारे वीडियो में देखा होगा कि 2019 में आजमी नगर में घर गिरा था, 2020 में ओल्ड कलेक्टर कंपाउंड मालवनी में घर गिरा था, 2021 में न्यू कलेक्टर कंपाउंड में घर गिरा था जिसमें 10 से 15 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद फिर ये बरसात का ही महीना है, 2022 है, जिसमें एक घर गिरा, उस घर में 4 से 5 लोग रहते थे। अच्छा है कि उसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन इतना खतरा होने के बावजूद अभी भी इल्लीगल तरीके से 3 से 4 माले 5 माले बनाए जा रहे जिसपे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये उस वक्त ध्यान देने की जरूरत नहीं होती जब किसी की जान चली जाती है या घर गिर जाता है, जब ये बनता है उस वक्त ध्यान देना चाहिए। प्रशासन को इस पे सोचना चाहिए कि जब ये बनता है तब उस पे रोक लगाया जाए, ना कि जब किसी के घर गिर जाता है या किसी की जान चली जाती है उसके बाद अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि इतने पैसे उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं वीडियो कि यहाँ पे क्या क्या हुआ। तो हमारे साथ ये जो घर गिरा है प्लॉट नंबर 61 में, हम उनके जो पड़ोसी हैं, जो नेबर हैं, उनसे बातचीत करते हैं यहाँ पे। ये घर कब से था, कितना पुराना है, या इसमें कोई रहता था या नहीं रहता था? मैम आपका क्या नाम है? यहाँ कब से रहता है आजू बाजू में? ये घर कितना पुराना रहता था? काफी। अभी जब ये घर गिरा तो कितने बजे गिरा है? 7 बजे घर गिरा। इसमें कौन रहता था? उनमें से किसी को चोट वगैरह लगी? किसी को चोट नहीं आई, सबको हमने निकाले, वो ऊपर रहते हैं, उन्होंने हेल्प किया। कितने बजे? इसका जो घर के ओनर, उनका क्या नाम है? वो माड़ा में रहते हैं, पता नहीं मुझे। ओके। जो इसमें भाड़ू थे ना, उसने कुछ बोला था कि मैं बाहर हूँ, जब मैं उन लोग बाहर चले गाँव सम समय मनाने के लिए टाइम। अच्छा, ये आपका जो आपका क्या नाम है? आपने मेरी बाइक चाहिए। ओके, तो कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, उनकी बाइक थी, इसके ऊपर गिरा, एक और अंदर है, एक और गाड़ी अंदर है जो कि डैमेज हुई है। हमारे साथ यहाँ कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी दिखाई। सर आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो एक सिंगल घर था, गिर गया है, लेकिन अभी जो एरिया में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी 3 से 4 माले बनाए जा रहे हैं, उसमें किसी का हादसा होता है, जान जाती, तो उसका जिम्मेदार किसको मानोगे? हाँ जी मंगेश सर जी, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप यहाँ देखने आए, आपको मालूम पड़ा तो किस पार्टी? ये तो बीजेपी और देशों में, बीजेपी। ये घर डबल माले का था, गिर गया, इसमें 4 से 5 लोग रहते थे, लेकिन किसी को चोट नहीं आई। लेकिन अभी भी आपने देखा होगा, इसके पहले पास्ट में 1 साल पहले घर गिरा था, इसमें 12 से 14 लोग की डेथ हो गई थी। हम लोगों ने अपने हाथ से मलबा हटाया, अपने हाथ भी आगे, लेकिन अभी भी 4 से 5 माले बनना, 3 माला चालू है, अगर वो गिरता उसको जिम्मेदार किसे आप मानोगे? पहली बार तो वो गांव जो घर गिरा है उसके बाद बीएमसी ने काफी जगह नोटिस लगाया। हाँ। और लोगों ने जैसा बोला था कि सब हवा होगा, तो कहेंगे कि भाई ये हवा होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ। और सच्ची में हुआ, नोटिस सब जगह लगाया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसके बाद कंटिन्यू अभी बारिश चालू है और अभी ये दीवार गिरा है और भी एक जो दीवार वगैरह गिरा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, बस दीवार है, मलबा हटेगा, कुछ कुछ डैमेज है वो सब हटेगा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। इसको भी सुबह 7 बजे गिरा है, बीएमसी के लोग, पुलिस के लोग आए थे और आगे इसका पंचनामा करके गए, बट इसको क्लीन करना, ये सब गली जाम है, वो सब करने के लिए कोई प्रशासन का कोई आदमी आया नहीं, मैं आया हूँ, उसके बाद जो कंप्लेंट किया हूँ उसके बाद सब बीएमसी और फॉरेस्ट वाले, सॉरी फायर ब्रिगेड वाले आके अभी ये काम चालू है। और दीवार हिल रहा है, वो सुबह में चलो कोई नहीं मरा या कुछ तकलीफ नहीं हुआ, लेकिन वो दीवार जैसा हिल रहा था कोई किसी ना किसी पर गिरता था। ओके, इसीलिए आके हम लोग ने अपना काम किया चालू है। अब बीएमसी काम करे इसके लिए क्या करोगे आप? बीएमसी काम करे, लोगों को जिसको आजू बाजू का उसको ऑब्जेक्शन लेके हम लोग आके बीएमसी में और वार्ड ऑफिसर से मिलते हैं एक बार। हाँ, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा कि लोग मरने के लिए खाली बनेगा इधर? ये बताइए कि अभी भी 3 से 4 माला घर बनना चालू, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, स्थानीय नगर सेवक इस चीज के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? क्या लोगों को मरने के बाद खाली वहाँ पे ग्राउंड में एक साथ सबका लाशों पे चढ़ाने चादर चढ़ाने खाली आते हैं लाश में? नगर सेवक, तो आप इसके जिम्मेदार नगर सेवक? हाँ, नगर सेवक का जिम्मेदार, नगर सेवक तो है नहीं अभी, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टाइम पे कोई नगर सेवक नहीं है। क्यों नहीं नगर सेवक? कौन है? इलेक्शन है, तुमने 5 साल संभाला बीएमसी से, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, बट अभी आमदार है, अभी टाइम चल रहा है, आमदार का नगर सेवक का सबका टाइम काम नहीं है क्या? गली गली में तुम आते हो, गली अभी गली की हालत देखा, अभी गली में वीडियो निकालो। हाँ, ऐसा लग रहा है रात में, दिन के अभी कितने बज रहे? दिन के 4 बज रहे, लेकिन गली में जाके देखो ऐसा लग रहा है रात के 8-9 बज रहे, 10 बजे
एक बल्ब नहीं है और वो बल्ब तो छोड़ दो, अंधेरा है पूरा, ऐसा दिखता नहीं नगर से। तो आपने देखा यहाँ पे जो घर गिरा या फ्यूचर में भी जो नुकसान होता है उसका जिम्मेदार ये बीजेपी के जो वार्ड अध्यक्ष हैं, इनका नाम है मंगेश, इन्होंने नगर सेवक एमएलए एमपी जो है उनको जिम्मेदार ठहराया है। अब देखते हैं आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करती ताकि इस तरह से हादसे ना हो। धन्यवाद। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666477110। धन्यवाद।